गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो है एक वीडियो हम लोग एक सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जो वर्ड पावर को लेकर के, ठीक, वर्ड पावर को लेकर के। वर्ड पावर में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है, एंटोनिम्स है, सैनोनिम्स हैं, तो ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमी का हो चाहे वो वर्ल्ड एग्जाम का हो। हम सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी समूहों के लिए एक शब्द, यानी जो हम लोग उठा रहे हैं वो शब्द समूहों के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। या हम लोग चलेंगे रूट वर्ड से, मतलब एक रूट वर्ड हो और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड हम बना सकते हो, ठीक, उनके माध्यम से हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो कहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स ए सिंगल वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हम कह सकते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि इवन क्लॉजेस, मतलब किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये शब्द समूह का एक सिंगल वर्ड होता है। यानी बहुत सी चीजें होती है जिसको बोलने के लिए हमें एक बड़ा सा सेंटेंस बोलना पड़ता है, अगर उस बड़े से सेंटेंस को ना बोल करके हम एक छोटा सा शब्द बोल दें तो वही हमारा कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो हम आज जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे एक बेसिक, या हम कह सकते हैं रूट वर्ड है जो है ऑप्ट, सभी जानते होंगे ऑप्ट, यानी इसका मतलब होता है विजन। क्या होता है? विजन। तो थोड़ा सा इधर से लिख के चलते हैं ताकि जो चीजें हमें लिखनी हो वो उधर लिख लें। तो वर्ड है ऑप्ट, मतलब होता है विजन, और विजन को हम क्या कहते हैं? दृष्टि। तो ऑप्ट का मतलब मैंने कहा विजन, ठीक। इसी से एक वर्ड लेते हैं ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू आई, यानी हम कह सकते हैं कि आंखों से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक यानी रिलेटेड टू आई, और इसी से एक शब्द आता है वो है ऑप्टिकल्स, सभी देखे होंगे ऑप्टिकल्स, यानी इसका मतलब हो गया कि कनेक्टेड विथ द आई, मतलब ये भी हो गया कि आंखों से संबंधित। ऑप्टिकल्स भी हमारा क्या है? आंखों से संबंधित। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्ट का मतलब होता है विजन यानी दृष्टि, और इसी से वर्ड बनता है ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब हो गया हमारा रिलेटेड टू आई। अब अगर इसमें हम जोड़ दिए ऑप्टिकल्स यानी कनेक्टेड विद द आई, जैसे ऑप्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट हम लोग लिखते हैं ऑप्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चश्मा हो गया, ठीक, स्पेक्टिकल्स जिसको कहते हैं। तो ये क्या है? आंखों से संबंधित। तो जितने भी चीजें आंखों से संबंधित होता है
उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स के बाद यहीं से एक बात और आती है ऑप्टिशियन। क्या आती है? ऑप्टिशियन। अब देखिए ऑप्टिशियन का मतलब क्या हुआ? तो ऑप्टिशियन का मतलब होता है चश्मा बनाने वाला। ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है? चश्मा बनाने वाला, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए पर्सन हुज जॉब्स, क्या कहते हैं, ए पर्सन हुज जॉब, हुज जॉब इज टू टेस्ट, टू टेस्ट द विजन ऑफ आई। ऑप्टिशियन किसको कहते हैं? मतलब जो चश्मा बनाते हैं, जो आंखों की यानी रोशनी या आंखों की जांच करते हैं आई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए पर्सन हुज हु सेल्स थिंग्स। फिर से समझिएगा, ऑप्टिशियन यानी चश्मा, चश्मा बनाने वाला, ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आई, या ए पर्सन हु सेल्स ग्लासेस, ऐसे लिख लेते हैं ग्लासेस। यानी अगर एग्जाम में आपको दे दिया कि ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आई, तब भी हम क्या लिखेंगे? ऑप्टिशियन। या ए पर्सन हु सेल्स ग्लासेस, यानी वे लोग जो चश्मों को बेचते हैं या शीशों को बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं, यानी ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने वाला। तो ऑप्ट से बना ऑप्टिक, से बना ऑप्टिकल्स, से बना ऑप्टिशियन। इसी से एक अगला वर्ड है, वो है ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री मतलब अगर ध्यान दें तो ऑप्ट का मतलब हो गया विजन और मेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी दृष्टि, और मेजरमेंट मतलब होता है माप तौल। ऑप्ट का मतलब विजन और मेट्री का मतलब मेजरमेंट यानी माप तौल। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ विजन यानी आंखों का जो रोशनी है या विजन पावर है, उसको मापने का जो यंत्र होता है वो हमारा कहलाता है ऑप्टोमेट्री। और इसी से एक शब्द हमारा बनता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टोमेट्रिशियन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टोमेट्रिशियन, ऑप्टोमेट्रिशियन यानी दृष्टि मापने वाला। तो ऑप्टो मतलब दृष्टि, और मेट्री, मेट्री मतलब मापने, और एशियन मतलब वाला। यानी हम कह सकते हैं कि आंखों का पावर मापने वाला। ठीक, यानी वह व्यक्ति जो आंखों का पावर मापता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिशियन। ऑप्टोमेट्रिशियन तो ऑप्ट मतलब विजन, ऑप्टिक रिलेटेड टू आई, ऑप्टिकल्स कनेक्टेड विथ द आई। और ऑप्टिशियन यानी वो जो चश्मा बनाते हैं, अर्थात ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आई, या ए पर्सन हु सेल्स ग्लासेस। ऑप्टोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ विजन, अर्थात वे वस्तुएं या वे चीजें जिससे आंखों का
विजन मापा जाता है उसको कहते हैं ऑप्टोमेट्री। ठीक, उसी से हो गया ऑप्टोमेट्रिशियन, यानी आंखों का पावर मापने वाला। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए इसी से कहें तो एक आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है ऑप्थल्मोलॉजी, मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं नेत्र विज्ञान। नेत्र विज्ञान मतलब द स्टडी ऑफ आई, इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ आई, अर्थात नेत्र का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजी, यानी नेत्र विज्ञान। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई। ठीक, तो अगर कहीं मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई तो भी हम कहेंगे ऑप्थल्मोलॉजी। और इसी से एक वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्थल्मोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई यानी नेत्र विज्ञान, और दूसरे में कह रहा है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मतलब जिसको कहते हैं कि नेत्र विज्ञानी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द साइंटिस्ट या ठीक है द साइंटिस्ट हु डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई। ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कौन होता है, वो होता है नेत्र विज्ञानी, द साइंटिस्ट हु डज नॉट या हु डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई, मतलब वो डॉक्टर या वो साइंटिस्ट, कभी कभी हम यहां डॉक्टर भी यूज कर लेते हैं। ठीक, तो वो हमारे होते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, और ऑप्थल्मोलॉजी हमारा होता है नेत्र विज्ञान। अब इसी से एक और आता है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेटेड एक वर्ड हमारा और आता है ऑप्टिक्स। ठीक, अब ऑप्टिक्स क्या है और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट क्या है। ऑप्टिक्स में हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई एंड साइट एंड लाइट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिक्स एक अलग वर्ड है, यह द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट, अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दृष्टि और प्रकाश का वैज्ञानिक अध्ययन, दृष्टि और प्रकाश का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, दृष्टि व प्रकाश विज्ञान, यानी जिसमें दृष्टि और प्रकाश को लेकर के अध्ययन किया जाता है वो आपका ऑप्टिक्स होता है, और ये जो होता है इसमें केवल नेत्र का मतलब अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र विज्ञान, और सॉरी इससे हम रिलेटेड कर ले, ये इससे रिलेटेड। ठीक, तो इसमें क्या है ऑप्थल्मोलॉजी में, नेत्र विज्ञान द स्टडी या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई, इसमें केवल आंखों का अध्ययन होता है, और इसमें क्या होता है दृष्टि और प्रकाश का दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है ऑप्टिक्स।
अब इससे एक और वर्ड हम बना सकते हैं जो बहुत पूछा जाता है, ऑप्टिमिस्ट। आपने सुना होगा, एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। और इसी से एक रिलेटेड है ऑप्टिमिज्म, मतलब जिसको हम कहते हैं आशावाद। तो ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, यानी द पर्सन या ही लुक्स एट द ब्राइट साइड, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिमिस्ट कौन है? तो ऑप्टिमिस्ट यानी उन्होंने कहा आशावादी। ही लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक। और ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, यानी हम यह कह सकते हैं कि द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड, द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड। या हम ये कह सकते हैं गुड या और सक्सेसफुल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावाद, यानी द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड और सक्सेसफुल, ठीक। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भविष्य में विश्वास होना, ठीक, यानी भविष्य में अच्छा विश्वास होना वो कहलाता है आशावाद। इसी ऑप्टिमिस्ट से, ध्यान दीजिएगा, इसका एक विलोम आता है जिसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट, ठीक। और ऑप्टिमिज्म का एक विलोम है वो हमारा है पेसिमिज्म। मतलब ये होता है आशावादी तो ये होता है निराशावादी, और ये होता है निराशावाद, ठीक। ये है ही लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ये है ही लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, ठीक। यानी आशावादी जो अपने जीवन में निराश होते हैं वो होता है पेसिमिस्ट, और जो अपने जीवन में आशा रखते हैं वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट में हम यही कह सकते हैं कि द फीलिंग दैट बैड थिंग्स विल बी हैपन। ध्यान दीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि पेसिमिस्ट मतलब निराशावाद, यानी द फीलिंग दैट बैड थिंग्स विल बी हैपन, ऐसा भाव जिसमें ये पता चले कि जो मतलब बुरी चीजें हैं वो घटित होंगी, तो उसको हम कहते हैं कि व्यक्ति निराश होता है, और इसी को हम कहते हैं निराशावाद। तो ये कुछ वर्ड पावर हैं जिसमें हम ऑप्ट से लेकर निकाल सकते हैं, जैसे ऑप्ट से ऑप्टिशियन, ठीक, ऑप्टिमिक ऑप्टिकल्स, ऑप्टिशियन ऑप्टोमेट्री, ठीक, ऑप्टोमेट्रिशियन या ऑप्थल्मोलॉजी, नेत्र विज्ञानी इसको कहते हैं, ठीक, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट यानी नेत्र विज्ञानी जो अध्ययन करते हैं, ऑप्टिक्स, और इसमें दोनों में याद रखिएगा, इसमें दृष्टि और विज्ञान का अध्ययन होता है, यानी साइट और लाइट दोनों का होता है, और इसमें केवल आई का होता है। ये ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी, ऑप्टिमिज्म आशावाद, पेसिमिस्ट निराशावादी, और पेसिमिज्म यानी निराशावाद। अगर एक बात हम यहां और करना चाहें, एक वर्ड आता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, एक वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड ऑप्टोमोलॉजिस्ट है और एक हमारा है ऑप्टोमेट्रिस्ट।
मतलब दोनों में अगर हम कहें अंतर क्या है, तो ये जो है कह सकते हैं कि ये वास्तव में एक रियल जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आंखों के सर्जन होते हैं, वो आपके ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं, और ऑप्टो जो मेट्रिस्ट होते हैं ये मतलब हम ये कह सकते हैं नॉट अ रियल डॉक्टर, ये कोई रियल डॉक्टर नहीं होते हैं, ये हमेशा प्रोफेशनल होते हैं, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करिएगा, मैंने आपके लिए लिखा है ये कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है, इसको पहले एक बार आप इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाएं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन, फिर से सुनिएगा, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन, यानी वह व्यक्ति जो हमेशा यह सोचता है कि अच्छी यानी चीजें ही घटित होंगी, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, यानी ऐसा व्यक्ति होता है आशावादी, यानी हम इसको कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी, ठीक है। अब जरा दूसरा देखते हैं, द थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड, फिर से सुनिएगा, द थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड विद सेंस ऑफ साइट, यानी वे चीजें जो आंखों की ज्योति या आंखों से संबंधित होती उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल्स, क्या कहते हैं ऑप्टिकल्स। तीसरा, ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आइज, ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आइज, यानी वह व्यक्ति जो आंखों की जांच करता है, तो हमने कहा है ऑप्टिशियन, क्या होता है ऑप्टिशियन, यानी चश्मा बनाने वाला या आंखों को जांचने वाला, ए पर्सन हुज जॉब इज टू टेस्ट आइज। अगला, द मेजरमेंट ऑफ विजन, फिर से देखिएगा, द मेजरमेंट ऑफ विजन, तो क्या होता है ऑप्टोमेट्री, क्या कहते हैं ऑप्टोमेट्री, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ए पर्सन हुज जॉब इज टू सेल ग्लासेस, ए पर्सन हुज जॉब इज टू सेल, इज टू सेल ग्लासेस, तो इसको भी हम ऑप्टिशियन ही कहते हैं। ए पर्सन हुज मेजर, ए पर्सन हु मेजर द आई, सॉरी द विजन ऑफ आई, फिर से देखिएगा, ए पर्सन हु मेजर द विजन ऑफ आई, यानी वह व्यक्ति जो आंखों के यानी जो आंखों की रोशनी को मापता है, तो इसी को हमने आपको कहा है ऑप्टोमेट्रिशियन, यानी आंखों का पावर जांचने वाला, आंखों का पावर जांचने वाला या मापने वाला। द साइंस ऑफ आई, द साइंस ऑफ आई या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई, तो इसको हमने कहा है ऑप्टल मोलोजी, यानी नेत्र विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट, ध्यान दीजिएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स, यानी
ऑप्टिक्स का मतलब हो गया कि साइट एंड यानी दृष्टि व प्रकाश विज्ञान, ये द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड, द फीलिंग दैट फ्यूचर विल बी गुड, मतलब ये फीलिंग क्या होती है, जो फ्यूचर अच्छा होगा या सक्सेसफुल होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद। और जरा इसको देख लीजिए, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन, पर्सन पूछ रहा है, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन, मतलब हमेशा बुरी चीजें घटित होती हैं, तो उस मतलब ऐसा व्यक्ति जो सोचता है उसको हम कहते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। द फीलिंग या द बिलीविंग दैट बैड थिंग्स विल हैपन, ऐसा जो फीलिंग आता है कि हमेशा बुरा चीज ही घटित होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पेसिमिज्म यानी निराशावाद। ए पर्सन, कभी ये पर्सन देगा, कभी ये डॉक्टर देगा, कभी ये साइंटिस्ट देगा, मतलब एक ही है, पर्सन या ए डॉक्टर या ए साइंटिस्ट हु डज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आईज, यानी जो आंखों का साइंटिफिक स्टडी करता है, तो भाई जिसमें होता है वो नेत्र विज्ञान ऑप्थल्मोलॉजी, तो और जो करने वाला है वो कौन है, वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होता है, यानी इसको कहते हैं नेत्र विज्ञानी। ये अगर ए पर्सन हु केयर्स, ध्यान दीजिएगा, ए पर्सन हु केयर या हु केयर्स द डिजीज ऑफ आईज बट ही इज नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, वो मेडिकल डॉक्टर या रियल डॉक्टर नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टो मेट्रिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ए पर्सन हु लुक्स, ये दोनों तो खूब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा, ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो अपने जीवन थिंग्स की जगह कभी कभी लाइट भी दे देता है, जो अपने जीवन में हमेशा अंधेरे के बारे में सोचता है या कह सकते हैं कि हमेशा निराश रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। और ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ठीक, यानी थिंग्स कहीं कहीं लाइट दे देता है, तो ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, पता चलता है कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, ठीक। अभी ये पहला वीडियो था और इस तरह से और भी वीडियो हम, ठीक है, रूट वर्ड को लेकर के बनाएंगे जिसमें थोड़ा सा याद करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर याद नहीं होता, तो देखिए याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं कहानी के माध्यम से याद रखिए, कुछ लोग किसी और माध्यम से, हम कहते हैं कि इन सभी से अच्छा है आप रूट वर्ड से ही याद रखिए, रूट वर्ड से बनाइए, तो थोड़ा सा ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी, और मान लीजिए आप भूल जाते हैं तो उस वर्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि कुछ न हो ये मिला जुला के यानी उसी से संबंधित है, तो कुछ गेस भी यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।